दोस्तों सरकारी लाभ चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राशन कार्ड का जो आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, यानी अपना राशन कार्ड कैसे आप अपना का खुद का सरेंडर कर सकते हैं। यदि आपके घर में, आपको पता है कि आपके घर में ट्रैक्टर या फोर व्हीलर का, या आपके घर में एसी, या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है जिसके तहत आपने 2020-21 में जो कोरोना काल के चलते बहुत सारे राशन कार्ड जो है जनरेट हो रहे थे एक दिन में, केवल ऑनलाइन करवाते थे और राशन कार्ड बन जाता था, तो आप कोई भी सरकारी लाभ लेते हैं या आप ईपीएफओ जो आपका पीएफ कटता है, या आप टैक्स देते हैं सरकार को, या आप सरकारी नौकरी वाले हैं, फोर व्हीलर आपके घर में है, या 5 किलोवाट के आपके घर में जनरेटर है, तो इस हिसाब से आप अपना जो है राशन कार्ड कर, या 100 वर्ग मीटर के हिसाब से आपका घर है और पक्का मकान है, तो इस हिसाब से आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। तो मतलब इतना या आप पात्र हैं, मतलब अपात्र हैं और आपका जो है बहुत दिक्कत होगा यदि आप सरेंडर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो PLA की साइट होती है जिस पे राशन कार्ड नया बनता है, ऑनलाइन होता है और आपका नया राशन कार्ड जुड़ता है, नाम जुड़ता है और कैंसिल होता है, डिलीट होता है, वहीं पे भी एक ऑप्शन आ गया है राशन कार्ड हेतु अभ्यर्पण। ठीक है, राशन कार्ड हेतु अभ्यर्पण, इसमें बताया जा रहा है कि राशन कार्ड अभ्यर्पण यानी राशन कार्ड समर्पण हेतु आवेदन। ठीक है, राशन कार्ड समर्पण यानी आप अपना राशन कार्ड खुद से सरेंडर कर रहे हैं, उसके लिए यहां से आप नज़दीकी CSC सेंटर जाएंगे, वहां पे ऑप्शन मिल रखा है सरेंडर आप कर सकते हैं। उसके तहत आपको एक रसीद दिया जाएगा सरेंडर करने के बाद, उस प्रॉपर्टी रसीद को एक एप्लीकेशन मिलेगा आपका, उसको फिल कर सिंपली आपको अपने सप्लाई इंस्पेक्टर में जाकर जमा कर देना, जहाँ पे तहसील पे आपका कोई भी होता है। आपको पता है कि जब भी आपका राशन कार्ड नया बनता है या नाम जुड़ता है तो ऑनलाइन यहाँ से हो जाता है, लेकिन उसकी रिसीविंग वहाँ पे लेकर जाना पड़ता है, तभी वो होता है। तो यहाँ से आप अपना समर्पण कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं राशन कार्ड, और उसके बाद रिसीविंग लेकर वहाँ पे जमा कर देंगे तो आपका राशन कार्ड बिल्कुल हट जाएगा। और ना यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बताया जा रहा है कि वसीली किया जाएगा, जिसमें 24 रुपये जो है प्रति किलो के हिसाब से आपका गेहूँ, और बताया जा रहा है 32 रुपये तक लमसम में आपका जो चावल है उसका जो पैसा आपको देना पड़ेगा जब से आप राशन कार्ड उठा रहे हैं, तो इस हिसाब से बताया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन से अलाइन करवाना है, अब अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना है, मतलब हटवा देना है, बहुत ही आसान तरीका है, आप करवा दीजिएगा। यदि आप किसके जो है पात्र नहीं है, आप पात्र हैं आपको लग रहा है, तो आप ऐसा काम जरूर करवा लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। और बात आती है पात्र का, तो जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके बाद जो भी अपना ऑनलाइन करवाया था, तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं, उसका राशन कार्ड नहीं डिलीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि किनको डिलीट करवाना है और कैसे डिलीट होगा नया राशन कार्ड।